उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लोगों के जज्बात और अहसास भी हैं उनके मामलात भी हैं उनके ताल्लुक भी हैं और एट द सेम टाइम हमें यह भी सोचना है कि एक शख्स के जो साइको डाइनमिक परस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट है वो भी जाहिर है कि उसकी एक्सट्रीम साइकोलॉजी को कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को वो ट्रिगर कर रही है सो so, एक शख्स के लाइफ के जो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हैं वो इवेंचुअली शेप कर रहे होंगे उसके साइकोलॉजिकल फ्रेम को और हमें इन बातों को अंडरस्टैंड करना है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच वीव टू अंडरस्टैंड इज बेसिकलीट वी मे है सीनियर्स बिकॉज उन्होंने एक वक्त बिताया होगा इंडस्ट्री में उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया होगा एंड ऑब्वियसली उनके पास एक विजन होता है जिस विजन के तहत वो हमें गाइड कर सकते हैं ट्रेन एंड मेन्टोर कर सकते हैं वो हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर हमारा अपना रद्द अमल वो कैसे मजीद बेहतर वो होना चाहिए और कभी भी याद रखें कि टू सीक हेल्प इज नॉट सम विच इज बैड बल्कि अगर आप हेल्प डिमांड कर लेते हो और सिचुएशन को बेहतर टैकल कर लेते हो तो ये आपकी अपनी बेहतर वो होगी रिमेंबर अनादर थिंग कि हमें शेयर करते रहना चाहिए दूसरों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिकॉज इसी गिव एंड टेक से इसी अंडरस्टैंडिंग से हम चीजों को बेहतर स्टेब्लिश वो कर सकते हैं और हम ये भी जान सकते हैं कि कहां कहां पर हमारा कौन सा मिस मैच था जिस मिस मैच को हमें बेहतर करने की जरूरत वो है इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हर शख्स के साथ कोई ना कोई बायसेज हैं कोई ना कोई उसके प्रेजोडस एटीच्यूड हैं तो उसकी बायसेज क्या है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए बिकॉज अपनी बायसेस को शायद हम खत्म नहीं कर पाएंगे अलबत् हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैरिट and obviously we can also share sometimes what are the preferences what are the priorities what are the favorite aspects that we need to talk about okay because we say agla apne better adjust sakega or at the same time yabba a one-way communication it is going to be a two-way phenomenon there are certain tips that we need to follow for example there are certain tips

और ह्यूमन और अगर हमें यह लगे कि हम अपने मसाइल को खुद से हल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस सूरत में हमें किसी की हेल्प दरकार वो होगी और उसके लिए हम ह्यूमन रिसोर्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के स्पेशलिस्ट हैं और हम अपने सुपरवाइजर से राबा कर सकते हैं कि वो हमें गाइड कर दे कि इस सिचुएशन के अंदर क्या रद्द अमल बेहतर होगा इसी तरह दे आर सर्टन टिप्स फॉर मैनेजर्स हुज इंप्लाइज आर हैविंग पर्सनैलिटी कंफ्लिक्ट अब अगर ये सिचुएशन हमारे सामने आए तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेट एंड डॉक्यूमेंट द कंफ्लिक्ट ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो द सेकेंड एस्पेक्ट इज इफ एप्रोप्रिएट तो so, हम की की तरफ जा सकते हैं, अपने तरफ जा जा सकते सकते हैं, हैं, अपने मॉडिफिकेशन जहां से हम बेहतर तौर अंदाजा लगा पाएंगे कि हमें किस तरह से अपना बर्ताव बेहतर करना है अनदर इंपोर्टेंट थिंग इज अटेम्प्ट इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन

जो प्रोफेशनली इस बात से ओरिएंटेड होंगे दे 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 टेक्निकली नो आर द साइकोलॉजिस्ट, हमें कहां पर कौन सी इंटरवेंशन क्रिएट करनी चाहिए ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट और अगर ये सिचुएशन हमारे सामने आए तो याद रखिएगा कि ऑल इंप्लाइज नीड टू बी फेमिलियर विद फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड फॉलो कंपनी पॉलिसीज फॉर डाइवर्सिटी ये हमारे लिए बहुत अहम है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी की हक तलफी ना हो एंड ऑबली रिलेटेड टू दरासमेंट इशूज तो अब हमें कंपनी की पॉलिसीज को भी मद्देनजर रखना है कि अगर कहीं पर कंपनी की पॉलिसी वायलेट हो रही है तो उसको कैसे टैकलअप किया जाए अगर डायवर्सिटी का प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं उस हवाले से आपका ऑर्थर कुछ पॉइंट यहाँ पर कोट करता है फॉर एग्जाम्पल डू नॉट टेक साइड इन सम्सर्सनैलिटी कंफ्लिक करना है मेरिट पर बात करनी है नंबर टू सजेस्ट दर्क थिंग्स अवर सेल्फ इन आक्टिव एंड पॉजिटिव वे सो आपको दूसरों को यह भी बात समझानी है कि पॉजिटिविटी के, के जरिए ही हम मसाइल के हल की तरफ बेहतर तरीके से जा सकते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज इफ डिसनल कंफ्लिक प्रॉब्लम टू पार्टीज़ डायरेक्ट सुपरवाइजर्स, बिकॉज वही लोग बेहतर कंफ्लिक को टैकल वो कर सकेंगे हमने ये देखा कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए और कहाँ पर हमें हेल्प सीख वो कर लेनी चाहिए अब अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि द पीपल हु आर इन डायरेक्ट सुपरविजन पीपल हु आर इन्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आर दीपल हुते हैं के लोगों के साथ डील कैसे बेहतर तौर वो करना चाहिए सो so, उनकी हेल्प उनकी एक्सपर्टीज को कुछ देर के लिए अपने साथ एसोसिएट करने से हम भी अपने आप को बेहतर इस्टेब्लिश कर पाएंगे इन इमोशनल कॉन्टेक्सट एंड इन लीडरशिप कॉन्टेक्स थैंक यू